जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी। और ये कईयों का जो क्वेश्चन, मेरे को दो चार क्वेश्चन है जो बार बार आ रहे हैं और लाजमी भी है, क्योंकि कईयों को टेंशन हो रही है। कुछ तो ये भी मेरे से पूछ रहे हैं कि सर स्टेट पुलिस में जाएं या CAPF में जाएं। कुछ का क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम CAPF में चले गए, ट्रेनिंग के दौरान हमको अगर स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम देना होगा तो क्या छुट्टी मिल जाएगी, और अगर हमारा सलेक्शन हुआ तो फिर आगे की प्रोसेस क्या होगी, हमारे डॉक्यूमेंट्स हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये सब का ये भी कई रीज़न है। हाँ, कुछ लोग ये बोलेंगे, अब इसमें कमेंट बॉक्स में ऐसी बात मत बोलना कि अभी तो हमारी ज्वाइनिंग नहीं आई, इससे पहले आप स्टेट पुलिस में लगने की बात करें, ज्वाइनिंग भी आ जाइए। लेकिन कुछ लोग आगे की सोचते हैं, कुछ लोग इतनी सोचते हैं, जो लोग आगे की सोचते हैं ना वो ये भी सोचते हैं कि ज्वाइनिंग तो आनी आनी है, क्योंकि उनके नंबर अच्छे हैं, उनको कॉन्फिडेंस 101% कि पेपर मैंने दे दिया, नंबर मेरा आना ही आना है। अब उनको पता है कि मैं आगे की सोचूँ कि ट्रेनिंग के टाइम में मेरे को छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे को वो एग्ज़ाम देना है या CPO का देना है, RPF SI का देना है, स्टेट पुलिस SI का देना है, तो उस समय क्या होगा, कईयों की ये कल्पना है। और कुछ लोग बिल्कुल निर्भय हो गए, पेपर देखे कि बस सलेक्शन हो गया। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, तैयारी करते रहना है। और हाँ, जो कंपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, देखो दो चीज़ है, स्टेट पुलिस बढ़िया या CAPF अगर आप SSGD के थ्रू लग रहे हो तो बढ़िया। तो उसमें मैं ये बता दूं दोस्तों कि स्टेट पुलिस और इसमें जैसे आप देख रहे हो फर्क, तो स्टेट पुलिस कहाँ काम करती है, CAPF कहाँ काम करती है, बेस्ट कौन सी है, तो ये तो चूज कर पाना आपके दिमाग पे कि आपको कैसी जॉब चाहिए। लेकिन अगर मेरे हिसाब से देखो, जैसे मेरा छोटा भाई है वो स्टेट पुलिस में, जो मेरे वीडियो में मेरी मदर जो मैंने सरप्राइज़ दिया था उस वीडियो में मेरा छोटा भाई है वो स्टेट पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, तो उसमें मेरे में बस इतना ही फ़र्क है, जब मैं छुट्टी आता हूँ मैं 15-20 दिन या महीने 2 महीने की आता हूँ साल में, जैसे आपको पता ही 90 दिन की जो छुट्टी है, और इनमें पैरामिलिट्रीज में 80 के आसपास छुट्टी मिलती, तो वो छुट्टी आता, वो बीच में आता रहता है, हफ्ते में 2-4 दिन में 2-4 दिन में घर आता रहता है, क्योंकि उनकी कब छुट्टी चलती रहती है तो वो घर आता रहता है। पेमेंट में हमारा ज़्यादा फ़र्क नहीं है, हाँ रिस्क अलाउंस ज़्यादा मिलता है हमको स्टेट पुलिस में, कई स्टेट पुलिस में पेमेंट अच्छा मिलता है, कईयों में बिल्कुल ही कम मिलता है, तो पेमेंट में तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ फ़र्क भी है रिस्क अलाउंस की, जितनी आप जितने हार्ड एरिया में ड्यूटी करोगे तो आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, स्टेट पुलिस का आपको पता ही है वो हार्ड एरिया कुछ नहीं होता उनके, स्टेट पुलिस का फिक्स पेमेंट होता है और प्रोविजनल कॉल सब जगह होता है। लेकिन अगर आप बात करो कि आपके लिए ज़्यादा अच्छा कौन सा, लड़कियों या इनके लिए, तो लड़कियों हो चाहे किसी के लिए हो, आप पे डिपेंड करता है स्टेट पुलिस की आपको सर्विस करनी है कि नहीं। फोर्स की सर्विस तो आपको पता ही, बिल्कुल इज्जत वाली होती है और बहुत ज़्यादा इज्जत होती है फोर्स में अगर आप लग के ज्वाइन करते हो, और चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो किसी के भी लिए हो अच्छी होती है। लेकिन अगर आप स्टेट पुलिस में लगते हो तो वही है, आपको घर जाने का मौका मिल जाता जल्दी, फैमिली के साथ रहने का बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है। स्टेट पुलिस में तो लगातार आप फैमिली रख ही सकते हो जीवन भर, वो मौका मिल जाता है, पूरी नौकरी कर सकते हो लाइफ टाइम जब तक आप करना चाहो तब तक स्टेट पुलिस में, क्योंकि आप घर जैसा ही माहौल रहता है, आपको जब छुट्टी चाहिए 2-4 दिन की छुट्टी मिल जाती है काम में। लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं है, फोर्स में थोड़ा सा त्याग करना पड़ता है, अपनी खुशियों को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार आप तो आप छुट्टी आ नहीं सकते, घर में तो 1 महीने में 10 काम पड़ते, आप तो केवल 3-4 काम में आ सकते हो, आपकी 80 दिन की छुट्टी होती है वो आप 4 बार में ज़्यादा से ज़्यादा काट सकते हो, इससे ज़्यादा क्या करोगे, तो ये डिफरेंस होता है। और स्टेट पुलिस मिल जाए तो मेरे ख्याल से बेटर है। और हाँ, अगर आपका सपना है, जैसे मेरे को लगना ही था फौज में, मेरे को फौजी बनना ही था, तो मेरे लिए तो वही बेटर है और मैं खुश हूँ अपनी जॉब से, क्योंकि मेरे को तो फौजी बनना था, मेरे को वर्दी पहननी थी, मेरे को अच्छी लगती है। तो जिनका सपना फौज है उनके लिए तो फौज बढ़िया ही है, लेकिन हाँ जिनको सिर्फ मतलब ऐसी जॉब लेना है जो केवल जॉब के रूप में देखते हैं, तो उनके लिए मेरे ख्याल से स्टेट पुलिस और अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज करें तो अगर स्टेट पुलिस ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा परिश्रम नहीं है। जैसे कि आर्मी चीफ ने भी कहा था कि आर्मी कोई जॉब नहीं है, ये त्याग है तपस्या है, जबकि स्टेट पुलिस आप जॉब के रूप में ले सकते हो दोस्तों। तो हाँ, और अब एग्ज़ाम में आपको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग टाइम में आपको मतलब एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया, आज फिर बना दे रहा हूँ, कईयों को नहीं पता, वो वीडियो नहीं देखा, तो इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ कि हाँ आपको ट्रेनिंग टाइम में छुट्टी मिल सकती है एग्ज़ाम के लिए 1 से 2 दिन के लिए। आप ज़रूर फॉरम में अप्लाई करना, वहाँ पर सोचना नहीं, फिर वो एडमिट कार्ड जो है वो लगा के आप छुट्टी लेके आ सकते हो 2 से 4 दिन की एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ, घर जाने का मौका नहीं मिलेगा, एग्ज़ाम देके वापस आपको ट्रेनिंग सेंटर ही जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ छुट्टी मिल सकती है दोस्तों आपको एग्ज़ाम के लिए भी। अगर आपका अपग्रेड में है तो बिल्कुल आसानी से मिल जाएगी, और हाँ अगर स्टेट पुलिस नॉर्मल है तो भी आपको छुट्टी मिल जाएगी, आजकल ऐसा रूल आपको ट्रेनिंग में 2-4 दिन की छुट्टी मिल जाती है। हाँ पहले 12 वीक में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, ये मैंने बताया। साथ में बता दूँ
कुछ लोग मेरे को ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं। आप कंटिन्यू रखिए, ट्रेनिंग टाइम में आपको ग्रेजुएशन के एग्जाम देने की इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, किसी के अगर एक ही एग्जाम है या कोई प्रैक्टिकल एक ही बाकी है उसके लिए मिल सकती है, लेकिन हाँ अब आप 12 एग्जाम है, 10 एग्जाम है, 9 एग्जाम है, उनके लिए इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी। हाँ, किसी की अगर एक ही एग्जाम है, कोई प्रैक्टिकल है, कुछ बाकी ऐसा कुछ है तो वो दे सकता। हाँ, बाकी लेकिन आप कंटिन्यू जरूर रखना, इस साल नहीं अगले साल फॉर्म भर के आप जरूर 101% अपनी ग्रेजुएशन कर लेना। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो पक्का 101% कर ही लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन आपको जरूर कर लेनी है। तो स्टेट पुलिस के लिए छुट्टी मिली जाती है, इनका कॉम्प्रोमाइज़ जैसे कि मैंने बताया कि इनमें क्या क्या कंपेरिजन है तो वो मैंने बता दिया आपको। अगर आपको स्टेट पुलिस अगर एज ए जॉब लेनी है तो स्टेट पुलिस की आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि आप अपने स्टेट में रहोगे, फैमिली के साथ रहोगे। इसमें फोर्स में आपको फैमिली के साथ रहने का इतना मौका नहीं मिलता, हर जगह फैमिली रखने की सुविधा ही नहीं मिलती है। मैंने बताया जैसा कि 20 साल में आपको 10-12 साल फैमिली के साथ रहने का मौका मिलता है, क्योंकि जो फौज की जॉब होती है वो केवल जॉब ही नहीं होती है, साथ में तपस्या भी होता है, त्याग भी होता है, अपनी खुशियों का कुछ देना भी पड़ता है देश के लिए। देशभक्ति से भरा हुआ जॉब है दोस्तों। अब आप पे डिसाइड करता है कि आपको कौन सा जॉब अच्छा चाहिए। एज जॉब लेना है तो मैंने जैसे बता दिया, क्योंकि मेरा भाई है वो हर सप्ते यहाँ घर आ जाता है, कोई टेंशन नहीं है, कोई काम भी हो छोटा बड़ा तो करके चला जाता है। हम हर बार नहीं आ पाते हैं, हम बड़े काम पे आ पाते हैं या साल में 3 से 4 बार आ सकते हैं, ज़्यादा या 3 बार ही आना पसंद करते हैं, 4 बार भी बहुत कम, लेकिन हाँ फिर भी अगर कोई काम पड़ जाए तो 4 बार आते हैं। तो ये फ़र्क है, आपको बता दिया, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सभी के लिए। बाकी आपकी जैसी इच्छा है उसके अनुसार आप बन सकते हो। जैसे मेरे को तो फौजी बनने की इच्छा थी, बन गया, मैं तो खुश हूँ अपनी जॉब से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको भी नहीं होगी।